स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड असाइनमेंट फाइल को लेकर के, यानी प्रैक्टिकल या वाइवा जो होगा आपका। अगर बात करूँ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट आपके जो वाइवा या प्रैक्टिकल हैं वो कम्प्लीट हो गए हैं। अभी तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं 10 तारीख से, ठीक है, जो कि आपके शायद 16-17 तारीख तक रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रयागराज यूनिवर्सिटी के लिए आप जो प्रैक्टिकल या वाइवा फाइल है वो कैसे तैयार करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो मैंने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फाइल है वो बता दी है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल या वाइवा के लिए फाइल तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की फाइल है, यानी हिंदी में आप इसे कहेंगे शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक, यानी आपका जो सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक अभी हम देख लेते हैं, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं टॉपिक क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले हम विषय सूची से शुरू करेंगे। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट वगैरह चाहिए तो आप कमेंट द्वारा बता दीजिएगा, मैं उसे भी बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आपको इंडेक्स से ही शुरू मिलेगा तो आप देख सकते हैं। अदर पेज अपने आप भी आप तैयार कर सकते हैं। इंडेक्स के लिए आप क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि पड़ा हुआ है, प्रकरण का नाम, दिनांक, हस्ताक्षर, आप चाहें तो यहाँ साइड में पेज संख्या भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप इतना ही रखिएगा काफ़ी है। प्रकरण की यानी टॉपिक की बात की जाए तो टॉपिक है आपका शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका का परिचय। नंबर 2 है शिक्षण अधिगम क्या है। नंबर 3 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक की विशेषताएं। 4 पॉइंट है सुझाव तथा निष्कर्ष। तो इतना कुछ आपको इस फाइल में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को हम। तो ये है आपका टॉपिक। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे विद्यालय में शिक्षण केंद्रित है जहाँ शिक्षक या अध्यापक ज्ञान का प्रसार करने वाले तथा छात्र उसे ग्रहण करने वाले होते हैं। छात्रों से यह अपेक्षा रहती है कि वे शिक्षकों अथवा पाठ्य पुस्तकों द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रखें तथा उसे परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करें। शिक्षण अधिगम का अर्थ होता है, यानी लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना या सिखाना। तो शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक किस प्रकार अपनी अधिगम प्रक्रियाओं को चलाता है या उन्हें मतलब बच्चों को सिखाने के लिए क्या कुछ प्रोसेस अपनाता है, तो वही सारी चीज़ें आप इस परिचय यानी इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ के लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन को, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा शिक्षण अधिगम क्या है। तो यहाँ पर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ पर दिया शिक्षण की प्रकृति को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण की अवधारणा में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जो दूसरों को शिक्षा देने के लिए अपनाए जाते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उत्तम ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, यानी जो आपका लर्निंग है उसके लिए जो भी आपका जो शिक्षक है यानी टीचर है जो भी मेथड या टेक्निक यूज़ करता है वही आपकी शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं या आपके शिक्षण सूत्र कहलाते हैं, जिनका प्रयोग करके वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जारी रखता है, ठीक है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि विद्यार्थी प्रकरण को समझ सकें। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षण का अर्थ है अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया, यानी आगे दिया है इसमें शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का पारस्परिक लाभ यहाँ पर सन्निहित होता है, यानी मिक्सर होता है। दोनों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं और शिक्षण के माध्यम से दोनों अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से आप बताएंगे, यहाँ तक कि आप देख लीजिए, इन चीज़ों को आप लिख लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लाइन से देख लीजिए। और यहाँ पर बात हो गई शिक्षण अधिगम क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका। इसमें आप लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में गुरु और शिष्य के संबंध की विशेष भूमिका रहती है।
शिक्षा बिना गुरु की क्रिया अधूरी होती है, तो शिष्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु समाज की संवेदनशील इकाई होते हैं, जिनके हाथों में शिष्य का व्यक्तित्व होता है। एक कुशल शिक्षक विद्यार्थी का जीवन संवार सकता है, तो शिक्षक की अकुशलता जो है बिगाड़ भी सकती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम में शिक्षक की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु के बिना शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है। एक छात्र के अधिगम में गुरु विशेषकर महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, आगे दिया है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षक इन परिस्थितियों में रोचक एवं वांछनीय शिक्षा किस प्रकार प्रदान करे, यह प्रश्न शैक्षिक जगत के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि शिक्षा में, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या कुछ भूमिका होती है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइल तैयार करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई है आपके शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका को लेकर के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ डालेंगे हेडिंग। यहाँ पर डालेंगे आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या कुछ होती हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज दिया है। पहला पॉइंट है, शिक्षक छात्रों की आत्मसम्मान के रक्षक के रूप में कार्य करने वाला होता है। दूसरा है, शिक्षक नैतिक मूल्यों के पालनहार के रूप में कार्य करने वाला हो। तीसरा है, वह परामर्शदाता तथा नवाचारकर्ता के रूप में कार्य करने वाला हो। चौथा है, वह सूचना देने तथा साधनों को उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। पांचवा है, वह प्रबंधक तथा अभिभावक के रूप में कार्य करने वाला हो। तो ये पांच पॉइंट हैं जिनके बेस पर एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अच्छे शिक्षक की भूमिका की विशेषताओं को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अच्छे शिक्षक की क्या कुछ विशेषताएँ होती हैं। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, शिक्षक या अध्यापक शिक्षा के उभरते केंद्र बिंदु हैं। इसमें आप लिखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा में शिक्षक शिक्षा में निम्न सुझाव दिए गए हैं। इसमें लिखा है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की समझ को प्राथमिकता देने की जरूरत है। शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के रूप में देखना चाहिए, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, तथा ज्ञान को मूर्त निर्धारित न मानकर प्रत्यक्ष स्व अनुभवों से निर्मित माना जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अवलोकन के अवसर मिले। शिक्षार्थियों के प्रश्न को समझने तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के अवलोकन में मदद करने वाले कार्य मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षक या अध्यापक शिक्षा के उभरते केंद्र बिंदु है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सुझाव। इसमें आप लिखेंगे क्या कुछ सुझाव है, आप बताएंगे, शिक्षक प्रशिक्षण की क्रिया पर बल दिया जाए, यानी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, ये आपका सुझाव है। दूसरा है, शिक्षकों या अध्यापकों के लिए आवश्यक है कि वे बच्चों का ख्याल कर सकें तथा उनके साथ रहना पसंद करें। उसके बाद आगे है, प्रत्येक विद्यार्थी को कैंपस और सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सक्षम माता पिता की भी सहायता अधिगम कार्यों में ली जानी चाहिए आदि। तो इस तरह से आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद आप लास्ट में निष्कर्ष यानी कॉन्क्लूजन डालेंगे। इसमें आप लिखेंगे, शिक्षण अधिगम में शिक्षकों की भूमिका को अधिगम सहभागिता की उस प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जो सहपाठियों और वृहत सामाजिक समुदाय या पूरा राष्ट्र के साझे सामाजिक संदर्भों के बीच होती है। अधिगम एक स्व अनुभव आधारित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण अपने तरीके से आत्मसात कर अंतःक्रिया अवलोकन तथा मनन चिंतन द्वारा करते हैं। तो इस तरह से आप निष्कर्ष भी अपने अकॉर्डिंग बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। साथ ही मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर जो अपलोड किए थे, उसमें आपका जो ये सब्जेक्ट है यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड आपकी ये फाइल बताई गई है। तो यहाँ से आप अपने पेपर के लिए भी कुछ चीज़ें तैयार कर सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही लास्ट में हम देखेंगे संदर्भ सूची, जिसे आप रेफरेंस कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे, इस पाठ्यक्रम की समस्त सामग्री विभिन्न परियोजकों से एकत्र की गई है, वेबसाइट वगैरह यहाँ पर दी है।
ठीक है, शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक जो कि एन कुमार पब्लिकेशन प्रयागराज से है, ठीक है, उसमें से कुछ सामग्री वगैरह लिखी गई है। तो बिल्कुल आप ऐसे ही संदर्भ सूची वगैरह बना सकते हैं। साथ ही अगर आपको और पेज इंक्लूड करने हैं तो आप इसमें गुण दोष, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा विशेषताएं वगैरह जो लिंक मैंने दी है उसके माध्यम से भी आप चीज़ें खोज करके फाइल में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी सुझाव हैं वो दे सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।